नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है सीईटी पाठशाला में। और मैं मानस मिश्रा आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक अंतराल के बाद। और आज हम लोग बातचीत करने वाले थे हिंदी साहित्य के विषय में, कि हिंदी साहित्य में जो सीईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे जो अभी एमए के लिए अनेक अनेक किताबें पढ़ रहे हैं, तमाम वेबसाइट्स देख रहे हैं, और जिनको लगता है कि एमए हिंदी से करना बहुत सरल आसान हो जाता है, हिंदी से कोई भी विषय लेना, और गांव की भाषा में कहें तो हिंदी क्या है, कुछ नहीं है, अरे हिंदी ही तो पढ़ रहे हो। तो ये सारी जो अफवाह है उन सबसे दूर करने के लिए, और जो आपकी हिंदी की तैयारी के लिए कौन कौन सी सहायक सामग्रियां हैं जिनकी मदद से आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं, तो इस पूरे वीडियो में आप सभी को समझाया जाएगा कि हिंदी पढ़ें, और यदि आपका मन नहीं लग रहा है तो उसमें रुचि कैसे पैदा करें, ताकि आप को पढ़ना तो हिंदी ही है, एमए भी करना है, कई लोग पीएचडी के बारे में सोच रहे होंगे, और जो लोग बीए के विद्यार्थी हैं, जो लोग बीए में पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, वो लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो बने रहना है, एक एक चीज को पॉइंट बाई पॉइंट आपको समझाया जाएगा, ठीक है। ये पिछले साल भी मैंने ही पढ़ाया था इसमें, तो आप देख सकते हैं निराला बैच के नाम से, जो कि आप सभी जानते हैं सुल्तान त्रिपाठी निराला, हिंदी साहित्य के बहुत ही मूर्धन्य विद्वान थे, कवि थे, ठीक है, और छायावाद के स्तंभ भी माने जाते हैं निराला जी। तो उन्हीं के नाम से मैंने ये निराला बैच की शुरुआत की थी मैंने, और उसमें बहुत सारे मेरे जो पढ़ाए हुए छात्र हैं, या मैं उनको साथी या दोस्त कहता हूँ, क्योंकि उनसे मेरा जो संवाद है बहुत ही दोस्ताना संवाद था। तो उनको जब मैंने पढ़ाया, तो जब उनका सिलेक्शन हो गया और वो जब स्क्रीनशॉट भेजते थे सर मेरा हो गया, तो बड़ी खुशी होती थी, चलिए उन लोगों का कहीं ना कहीं हो गया, दिल्ली, इलाहाबाद और बीएचयू, किसी का डीयू, मतलब कहीं ना कहीं सब लोग सिलेक्टेड है। तो उसी श्रृंखला में इस वर्ष जो 2025 का हम लोगों का टारगेट है सीयूईटी 2025 में पीजी हिंदी की तैयारी के लिए, जो मैं निराला बैच लेकर आ रहा हूँ उसमें 100+ आपके घंटों की कक्षाएं होंगी, जिसमें 85+ कक्षाएं होंगी, 7 यूनिट है आपकी, हर एक यूनिट पर विश्लेषणात्मक तरीके से एक एक चीज जो विशेष है खास तौर पर उन पर बातचीत की जाएगी, ठीक है। सीयूईटी पीजी का जो पहले एक भाग हुआ करता था सीयूईटी भाग 1, वो अब हटा दिया गया है, मात्र सीयूईटी पीजी हिंदी के जो दूसरा भाग है वो मैं पढ़ाऊंगा, और वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। टॉपिक के अनुसार आपके जो टेस्ट लिए जाएंगे, हर एक टेस्ट की एक कॉपी आपको दी जाएगी, और हर एक टेस्ट लेने के बाद आपका जो सॉल्यूशन है बोर्ड पे करवाया जाएगा, वैधता असीमित असीमित है, ठीक है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था किसी विश्वविद्यालय में तब तक आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। निःशुल्क पाठ्य सामग्री है, जब आप जो बीएचयू पाठशाला ऐप है उस पर आप जाएंगे तो आप सीवीटी पीजी हिंदी के लिए आप सर्च करेंगे निराला बैच, तो वहां पर आपको जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, जो जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसकी पीपीटीज है, वो आप टेलीग्राम लिंक पर जाकर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद विषय अनुसार, इसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशन, हर बार मैं क्या करता हूँ डाउट क्लियरिंग सेशन एक चलाता हूँ सैटरडे संडे को, ठीक है, उसमें आप गूगल मीट के माध्यम से मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हैं, कई बार मैं लाइव सेशन पे आऊंगा उस पर भी आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हैं। तो इतनी सारी सामग्रियों के साथ ये बैच जो है लॉन्च हो चुका है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदी साहित्य जो है, हिंदी साहित्य का इतिहास कितना बड़ा है, हिंदी क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, साहित्य क्या है, तमाम सारी जानकारियां आप सभी के मन में चल रही होंगी क्या करें। और बीए, अब बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं जिन्होंने बीए किया हुआ है, वो भी किसी गांव के कॉलेज से है, किसी डिग्री कॉलेज से कर लिया है, कहीं ना कहीं से 5 या 6 हजार रुपये फीस लेके। आप लोगों को बता दूं कि आपने जो बीए किया है उसमें आपकी बेसिक जो समझ है या बेसिक पकड़ है वो शायद ढीली हो सकती है, इसलिए उसको भी मजबूत करने का काम, उसको बोलते हैं आजकल फाउंडेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं आजकल फाउंडेशन, हो हर जगह के फाउंडेशन बैच हो गए हैं, तो मैं कोई फाउंडेशन बैच नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो एकदम स्तर से लेकर और निम्न स्तर से उच्च स्तर तक भी आपको ले जाऊंगा, ठीक है। पढ़ाने की दो पद्धतियां होती है, इंडक्टिव डिडक्टिव, तो मैं दोनों पद्धतियों से सोचूंगा कि आप लोगों को कैसे समझाया जाए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोगों को पढ़ना है, 7 यूनिट है, 7 यूनिट्स में हिंदी साहित्य के इतिहास पर बातचीत कर लेते हैं। आप लोगों ने कई बार अनेक आलोचकों के बारे में उन्होंने कहा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है हमको, साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ते क्या है, इसमें पहली चीज ये समझिए, ठीक है, उसमें आप पढ़ते हैं, ठीक है, कि हमारा आज से पहले इतिहास क्या होता है, पहले की घटनाओं का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है, क्या
होता है, वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन, उसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं इतिहास। ठीक है, ये इतिहास का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम साहित्य की घटनाओं का, पहले की जो साहित्यिक घटनाएं हैं उनका एक क्रमिक तरीके से और उनका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, साहित्य का इतिहास। क्या कहलाता है, साहित्य का इतिहास। ठीक है, साहित्य का इतिहास मतलब जो हमारा प्राचीन साहित्य रहा है, जिसको हम भारतीय वाङ्मय में, जिसको भारतीय संस्कृति में हम कहते हैं प्राचीन संस्कृत का इतिहास रहा है, वैदिक संस्कृत हुआ करती थी और लौकिक संस्कृत हुआ करती थी, फिर किस प्रकार से अपभ्रंश आए, प्राकृत आई, अपभ्रंश आए, फिर अवहट्ट आए, फिर खड़ी बोली हिंदी आई। ठीक है, इस प्रकार से विकास यात्रा चलती है, उन सभी का इतिहास साहित्य का इतिहास, लेकिन हमको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी के जो पहले की घटना है, हिंदी की घटनाओं का या हिंदी के साहित्य की घटनाओं का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन जो होगा वो हुआ क्या, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास किसे कहेंगे, तो मैं फिर से बता देता हूँ, हिंदी साहित्य की घटनाओं का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन जो हम करेंगे उसको कहेंगे हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन। ये साहित्य इतिहास कुछ कुछ पद्धतियां होती हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जो कि जिन्हें हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार माना जाता है और जो पहले इतिहासकार हुए हैं, ठीक है, गासा दासी हुए हैं, स्वाद ललित और हिंदुस्तानी की पुस्तकें हैं, या फिर जॉर्ज पीटरसन हुए, तो इन सारे इतिहासकारों के बारे में, इतिहासकार वेत्ताओं के बारे में, अध्येताओं के बारे में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन उसके पहले एक बात, एक खाका बना लेते हैं यहाँ पर कि हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालक्रम, ठीक है, ठीक है, इसके बाद नामकरण, नामकरण, ठीक, इसके बाद उसमें जो कौन कौन से इतिहासकार हैं, महत्वपूर्ण इतिहासकार, महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहासकार, हिंदी साहित्य इतिहासकार, क्या, हिंदी साहित्य इतिहासकार, ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें पद्य साहित्य और गद्य साहित्य, और इसके बाद अन्य गद्य विधाएं, अन्य विधाएं, इसमें सभी रिपोर्टदार डायरी वगैरह आ जाएंगे। तो ये एक मोटा मोटी एक खाका है हम लोगों का कि किस प्रकार से हमारे हिंदी साहित्य में कहानियों की शुरुआत होती है, नाटकों की शुरुआत होती है या निबंधों की शुरुआत होती है, ये एक पूरा कालक्रम किस प्रकार चलता रहेगा। अब ये हिंदी साहित्य आप लोगों को थोड़ा सा जटिल लगने लगा होगा, कि थोड़ा सा कुछ कठिन है, लेकिन उसको सरलतम बनाने के लिए मैं आपको कुछ कुछ आपको ऐसे नियम बता देता हूँ या ऐसे कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ, इसकी वजह से आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं कहता भी हूँ कि जब भी कोई किताब पढ़ो या कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ो कि हम उसको पढ़ के बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे, इसलिए भी पढ़ो ताकि आप उसको पढ़कर किसी से बहसबाजी नहीं, आप उससे तर्क कर सकें। ठीक है, तो तर्क करने का मतलब क्या है, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आउटपुट ये मिलेगा कि आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हिंदी साहित्य पढ़ने में सबसे पहले रुचि कैसे पैदा करें, ठीक है, काफी बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि हिंदी साहित्य में अपना करियर बनाए, तो कई कई लोगों के पास रुचि ही नहीं है, उन्होंने बीए कर लिया, ठीक है, अब उनके पास रुचि पैदा कैसे करें, तो पहली चीज है कि वो हिंदी साहित्य पढ़ने से पहले हिंदी की कहानियां पढ़ें। क्या पढ़ें, कहानियां पढ़ें, वो कविताएं भी पढ़ सकते हैं यदि इंटरेस्ट है, तो कविताएं पढ़ें। इससे होगा ये कि आप हिंदी के प्रति, हिंदी के मर्म को, हिंदी में जो संवेदनशीलता है उसको समझ सकेंगे। हिंदी सिर्फ मात्र हम लोग कह सकते हैं भाषा नहीं है, बोली नहीं है, वो हमारे हृदय से जुड़ी हुई भाषा है। ठीक है, मतलब हम जो बोलते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, यदि माँ हमको मार रही है तो किस प्रकार उसका उद्देश्य क्या है, वो रो रही है तो उसकी भी एक भाषा होती है, तो हिंदी साहित्य भी क्या है, हमारी माँ है, हिंदी हमारी जननी है, और उस हिसाब से हम देखेंगे कि कविताएं, कहानियां पढ़ेंगे तो उसके हिंदी के मर्म को समझ पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि आप फिर नाटक पढ़ सकते हैं या फिर हिंदी की जो क्लासिकल फिल्म है, हिंदी की जो क्लासिकल फिल्में हैं, ठीक है, उनको आप देख सकते हैं, पुरानी पुरानी जो भी फिल्में हैं, ठीक है, उनको आप देखिए। तीसरा है कि आप अखबार पढ़ सकते हैं, अखबार, ठीक है, जो आपकी हिंदी भी ठीक कर देगा। मैंने देखा है बिहार के बहुत सारे ऐसे जनपद हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको खड़ी बोली हिंदी में बातचीत करने यदि आप जाएंगे तो रा को रा बोल देते हैं, रा को रा बोल देते हैं, ना ठीक से नहीं बोल पाते हैं, तो ये थोड़ी सी कमियां, और वहां पे जो लिंग दोष होता है, इसमें खाना खा रही है, खा रहा है, जा रही है, जा रहा है, तो उनके यहाँ सारा चीज समान हो जाता है,
मतलब वहां आप स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है कोई भेद नहीं रह जाता है। तो ऐसे ऐसे में आपको बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अखबार पढ़ें, कविताएं पढ़ें, कहानी पढ़ें। इससे होगा ये कि आपकी शब्दावली जो हिंदी की थोड़ी बहुत दुरुस्त हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि आप जब हिंदी कहानियां या कविताएं या फिल्में देखेंगे तो आप हिंदी के जो शब्द हैं कहाँ उपयोग करना है उनको, उनकी उपयोगिता आप समझ सकेंगे। ठीक है, तो ये था हिंदी में रुचि पढ़ने के, आपको रुचि पैदा करना है तो कैसे शुरुआत करें, क्योंकि जब तक आप किसी चीज के प्रति रुचि नहीं होगी आप उसको तमाम चाहे जितने उपाय कर लीजिए, आप रखे रहिए किताब ऐसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने आदिकाल के बारे में, लेकिन ये सारी चीजें बेकार की चीजें हैं। ठीक है, आप ऐसे नहीं पढ़ सकते, बिना रुचि के आप कोई कार्य कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमने आपके लिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आपको बहुत ही सहज हो और आपकी जो बेसिक है कवर हो जाए। आप कविता कहानियां पढ़िए लेकिन आपको हिंदी साहित्य भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ किताबें मैं आपको बताऊंगा, आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कहीं पर लिख लीजिए। तो वो किताबें कौन कौन सी हैं? तो किताबें हैं जैसे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब है, बहुत अच्छी और जो बेस क्लियर करने वाली किताब है। इसमें होगा ये, इसके कुछ विशेषताएं बता देते हैं हम। इसमें जैसे हिंदी साहित्य का कोई प्रारंभिक अध्येता है, मतलब प्रारंभिक या पहली बार कोई आया हुआ है पढ़ने के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसकी जो बेसिक्स है, ठीक है, बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएगी, मतलब उसका आधार बन जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बन जाएगा। दूसरा कि किस काल में कौन सी विशेषताएं हैं, तो कालगत विशेषताएं आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, किस काल की कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सा कवि उस समय का मुख्य कवि है, कौन सी रचना उस समय की मुख्य रचना है, कौन सी विधा उस समय की मुख्य विधा है, समय का पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तीसरी चीज ये है, इसकी भाषा जो है बहुत सरल है। भाषा क्या है? सरल भाषा, सरल और सहज भाषा है, तो आपको पढ़ने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी और आप आसानी से सरल भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये किताब जरूर रख लीजिए, ठीक है, एक बार इसका रीडिंग कर लीजिए इसकी, और इसमें मुश्किल से 180 पेज से ज्यादा नहीं है ये किताब, 126 पेज की है, और कुछ कुछ संपादन करते हैं तो उसमें गड़बड़ियां कुछ आ जाती हैं। अब दूसरी किताब है डॉक्टर नगेंद्र इनका चंद्रवल्ली चंद्रवल्ली पांडे नहीं है, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। तो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे ये बीएचयू से ही है, बीएचयू के बिड़ला हॉस्टल में रहा करते थे। तो इनकी जो किताब है वस्तुनिष्ठ किताब है, ऑब्जेक्टिव, चूंकि आज ऑब्जेक्टिव का जमाना है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए आपको इस प्रकार की किताबों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसमें भाषा साहित्य का इतिहास दिया गया है। जब आप विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब पढ़ लेंगे तो फिर आपको इसमें जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो सूचनागत आपको शब्दावली मिलेगी वो इसमें आपको मिल जाएगी, और आपको इसमें से बहुत कम जो जो पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हालांकि मैं इन सब का निचोड़ ही इस बैच में लाया हूँ, क्योंकि मेरे पढ़ाने का मकसद यही है कि आप इतनी सारी किताबों से ना गुजरें, आपको सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। लेकिन फिर भी यदि आप स्वयं से पढ़ना चाहते हैं, स्वयं से लगन से, आपको लग रहा है कि मेरा आधार मजबूत नहीं है, तो आप इन किताबों से मदद ले सकते हैं, और बैच में तो मैं पूरी तरीके से पढ़ाता है। फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास की किताब, ठीक है, जब आप इतनी सारी किताबें कुछ कुछ पढ़ लेंगे आपके पास थोड़ा ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, तो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की किताब जिसमें से सबसे ज्यादा कथन पूछे जाते हैं, ठीक है, कथन कवि की दृष्टि, कवि की दृष्टि के बारे में पता चलेगा कि कवि क्या सोच रहे, उसकी दृष्टि क्या है, उसका मकसद क्या है। ठीक है, ठीक है, वो वाला मकसद नहीं है कि ठीक है हमको मकसद याद है, तो वो मकसद नहीं आपको याद रखना है, ये हिंदी साहित्य का और कविता और कवि की क्या दृष्टि है, उसका क्या मकसद है, तो वो इस किताब में आपको जानने को मिलेगा। और जो प्रवृत्तियां हैं प्रत्येक काल की, चाहे आदिकाल हो, भक्तिकाल हो, रीतिकाल हो, उन सबकी प्रवृत्तियां आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसके बिना ना कोई आज तक अध्यापक हुआ है, ना कोई आज तक हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हुआ है, ये जान लीजिए कितनी जरूरी है। अगली पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है। इसमें जो स्पेसिफिक चीजें, इसकी भूमिका बहुत ही मजेदार भूमिका है, इसमें आपको लगभग सब कुछ मिल जाएगा। और दूसरी चीज है इसमें रीतिकाल, ठीक है, रीतिकाल के बारे में जिस प्रकार के तथ्य आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगे वैसे किसी भी पुस्तक में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, रीतिकाल के साथ साथ इसमें कहानी का विकास जो है बहुत अच्छी तरीके से, कहानी का विकास आप इस पुस्तक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों के लिए पुस्तक जरूरी है, लेकिन मुझे जो जो इस किताब में जरूरी जरूरी चीजें लगती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगली किताब है, ये तो एक ग्रंथ है जो कि दृष्टि आईएएस ने निकाला है हिंदी साहित्य सीआरएफ और नेट की तैयारी के लिए। तो इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा जानकारियां हैं, तो उसमें से बहुत कम कम जानकारियों को
आप ले सकते हैं, खास तौर से इसके PYQs जो है, ठीक है, या कह सकते हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो बहुत अच्छे इन्होंने डिजाइन किए हैं, तो आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। और फिर ये परीक्षा सहचर, जो कि इस पुस्तक को मैंने डिजाइन किया है, और इस पुस्तक की खास बात ये है कि इसमें 1000 से तो अधिक प्रश्न हैं आपके, और ऐसे प्रश्न हैं कि आपके विगत वर्षों में हिंदी साहित्य के पूछे गए हैं, BHU में, DU में, JNU में, ठीक है। तो ऐसे संस्थानों से संबंधित कुल 1000 से ज्यादा प्रश्न है, मैं बहुत कम बोलता हूँ, 1000 से ज्यादा प्रश्न है। दूसरी चीज, आपको सारे PYQ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, ठीक है, इस पुस्तक में। तीसरी चीज, ये सॉल्व वर्जन में भी है, ठीक है। और इसके माध्यम से आप अपनी हिंदी साहित्य की तैयारी करेंगे, क्योंकि मैं जब पढ़ता था, ठीक है, तो मुझे भी जरूरत होती थी कि ऐसे कोई पुस्तक हो जिसमें बहुत सारे प्रश्न हो, उनको मैं हल करूं। आजकल टेलीग्राम चैनल्स पर बहुत सारे चैनल्स चलते हैं, उस पर PYQs और MCQs पढ़े शाम को सुबह आते रहते हैं। लेकिन आपको क्या हो, आपको ऑफलाइन में भी पढ़ना चाहिए कुछ किताबें, या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन में भी आपके पास एक चार्ट हो, आप सीधे टिक करें कौन से क्वेश्चन है, एक साथ आप 3 घंटे बैठ के 2 घंटे बैठ के टाइम दे सकें, तो उस प्रकार से डिजाइन की गई है। अब जैसे नया पैटर्न आ गया है 75 प्रश्न वाला, ठीक है, तो 75 प्रश्न के भी उसमें प्रश्न बहुत सारे रखे गए हैं, ताकि आप जब एग्जाम देने जाएं या आप परीक्षा में बैठे तो आपको ऐसा ना लगे कि मैंने ये प्रश्न तो पढ़ा ही नहीं, या मुझे ये प्रश्न आता ही नहीं है। तो ऐसा एक भी प्रश्न आपको नहीं होगा कि आपको नहीं आ रहा होगा। और जो नया पाठ्यक्रम है, नवीन पाठ्यक्रम जो आया हुआ है, उसके अनुसार ये पूरी पुस्तक बनाई गई है, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत सारी जानकारी है, जैसे इसमें नवीनतम संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार है, अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है, नए पैटर्न पर आधारित है, इसमें बाद में PYQ के बाद 5 मॉडल पेपर भी दिए जाते हैं, हालांकि मैं इसमें और ऐड करूंगा, और प्रश्नों की पुनरावृत्ति हुई है, और प्रश्न संचयन, जो प्रश्नों की पुनरावृत्ति है वो इस प्रकार से है कि जो प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं तो वो कितने बार और पूछे जाएंगे, संभावनाएं कितनी है, उनके साथ भी ये पुस्तक है, ठीक है, एक प्रश्न से कितने प्रश्न बन सकते हैं उनके साथ भी ये पुस्तक है। तो पूरी जानकारी जो जो आप सभी को लगी है उसको मैं पूरा समझा दूं, ठीक है, कि आपको तैयारी करने में कितना समय लगेगा, कब शुरू करें, ये सारे प्रश्न, बहुत सारे जो मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो देखता हूँ कि वो लोग पूछते हैं कि कितना रुपए लगेगा पढ़ाई तैयारी करने में। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, भोजपुरी में भी काफी लोग पूछते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादा पैसा कुछ नहीं लगता है, और तैयारी करने में आप चाहें तो घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, और यदि आप सक्षम है, मैंने सारी किताबों का जिक्र आपके सामने कर दिया है। दूसरी बात यह है कि यदि आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, या वास्तव में आपको लगता है CUET PG हिंदी की तैयारी करें, तो आप अभी से, होता है ना, काल करे सो आप आज कर सो अब, तो अभी से यदि आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे प्रतिदिन 1 घंटे की तैयारी, कितने, 1 घंटे की तैयारी चाहिए प्रतिदिन की, आप हिंदी साहित्य में कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप पाठ्यक्रम निकाल के प्रिंट आउट लगा लीजिए सामने, और 1 घंटे बस निकाल के पढ़िए। कब शुरू करें तो मैंने बता दिया, तो अभी से यदि आप तैयारी करेंगे तो आराम से आप 5 से 6 महीने में आप आराम से पूरे सिलेबस को कवर कर लें, क्योंकि अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इकाई भले ही साथ ही है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आप भी बता नहीं सकते कहाँ से बन सकते हैं, तो इसलिए आप प्रतिदिन प्रश्न पढ़ते रहिए, ठीक है, मतलब प्रश्नों को लगाइए, ठीक। और यदि आप तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं CUET पाठशाला के बैच से, ठीक है, और इस बैच में मैं आपको तैयारी करवाऊंगा पूरी 0 से लेके 100% तक की, ठीक है। और यदि आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ते हैं तो वहां पर मैं सारी जानकारी शेयर करता हूँ, कैसे तैयारी करना है, आपको कोई तकलीफ हो रही हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। मेरा जो UGPG है वो BHU से ही रहा है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है, मेरा जो ग्रेजुएशन है वो BHU से ही रहा है, 18-21 बैच था ग्रेजुएट, और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी BHU से ही रहा है 21-23, और इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा PhD में है एडमिशन, ठीक है, जिससे नेट जैसे परीक्षा होती है वो भी क्वालिफाइड है, CUET PhD जो एक एंट्रेंस होता है वो भी क्वालिफाइड है, क्रेट इलाहाबाद का जो रिटेन परीक्षा होती है लिखित परीक्षा, वो भी मैंने परीक्षा पास की है, और इसके तहत ही मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन मिला है। 2 साल से पढ़ा रहा हूँ आप सभी को, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, पहले पढ़ाता था, तो आप सभी को मेरे बारे में पता चल चुका है, ठीक है। और अंत में यही कहूंगा कि आप सभी के लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूँ, CUET पाठशाला की पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, और यदि फिर भी आप तैयारी ना करना चाहें तो फिर मैं कहूंगा कि आप 1 डे एग्जाम में चले जाइए, ठीक है, क्योंकि हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए आपको बहुत ही धैर्य की आवश्यकता है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आप उन्नति कर रहे हैं, और साहित्य के प्रति रुचि रखने के लिए, CUET पाठशाला को पसंद करने के लिए, और हिंदी साहित्य में मुझसे जोड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
मिलते हैं अगले वीडियो में नए विचारों के साथ और कुछ पढ़ाने की प्रक्रिया के साथ। धन्यवाद सर।